नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में बीती रात लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन कर ट्रैक्टर से वापस लौट रहे रास्ते समय किसी घर पर झालर लगा था, जो ट्रैक्टर में झालर फंस जाने से टूट गया, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार युवकों और स्थानीय लोगों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का मऊ अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिवम गुप्ता, शिवम कहाँ करने वाले हो? पूर पंचायत। क्या मामला हुआ है यहाँ पे देखा जा रहा है? जो कि मूर्ति लेकर आए थे, तो कैसी मूर्ति थी? लक्ष्मी जी का, जो कि यहाँ से हम पार करा चुके थे झलरी को, और आगे जाकर फिना कर गाली गलौज हुआ था, पत्थर मार हुआ था और डंडा चलाए थे सब लोग। ये कौन लोग थे मारपीट करने वाले? वो ठेठन मोहल्ले के थे। क्यों मारपीट? जो बिजमोहन के एक लड़का था छोटा। क्यों मारपीट हुई? अब वही झालर टूट गया था ना एक, तो वही हम लोग बोल रहे थे रोकने के लिए, तो जान रहे थे सब लोग की झगड़ा के लिए सब बोल रहे हैं, इसीलिए सब उधर से पत्थरबाजी डंडा चालू सब। कितने लोग थे मारपीट करने में? बहुत लोग थे, लगभग 20-30 थे। 30 लोग थे। कितने लोग घायल है इसमें? हमारे यहाँ 3-4 लोग आए हैं घायल हैं। अभी कौन लोग मऊ के लिए रेफर हुए हैं? मेरे पिताजी। आपके पिताजी हैं जी। पुलिस आई है यहाँ पे? जी आई। कितने लोग गिरफ्तार किए अभी? अभी 1 लोग। 1 लोग की है? क्यों अभी 1 ही लोग की है जब घटना में वो उतने लोग मौजूद थे? वहाँ पे गए थे पुलिस लोग, तो सब भाग चुके हैं। भाग चुके थे। रात मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट हुई, क्या किस तरह की घटना है और क्या है पूरा मामला, कितने लोग गिरफ्तार हुए? कल रात्रि में थाना पकड़ी के पूर्व गांव में एक ट्रैक्टर वापस जा रहा था और एक घर में झालर लगी हुई थी, वो झालर उसकी ट्रॉली में फंस गई। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और आपस में मारपीट और पथराव हुआ है। इस संबंध में 14 लोगों के विरुद्ध नामजद अभियोग दर्ज किया गया है, जिसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में 3 लोग घायल हैं, जिनमें से 1 को हल्की फुल्की चोट है और 2 लोगों का इलाज जनपद मऊ अस्पताल में कराया जा रहा है। सर, इसमें गिरफ्तारी कितने की हुई? 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सर, ये मूर्ति विसर्जन के दौरान जब इस तरह की घटना हुई, क्या परमिशन दिया गया था मूर्ति रखने की? ये मूर्ति विसर्जन के दौरान घटना नहीं हुई है, ये खाली ट्रैक्टर पर कुछ लोग वापस आ रहे थे और वो ट्रैक्टर एक झालर में वो उलझ गया उसकी ट्रॉली, जिससे ये घटना हुई है। लेकिन जो जिसका पिता घायल है, उसके बेटे ने जो तहरीर दी है, उसने ये कहा कि मूर्ति विसर्जन के दौरान ये लोग जा रहे थे, ट्रैक्टर ट्राली पर डंटा और ईट रखा गया था, जिसके दौरान वो लोग झालर टूटा और विवाद हो गया, उसी के दौरान ट्राली से ईट पत्थर चलने लगे। स्थानीय पुलिस जो है सूचना पाकर तत्काल मौके पर गई, साथ में पुलिस भी थी। उनके द्वारा ये बताया गया कि ये जाते समय नहीं बल्कि विसर्जन के बाद ये जब वापस आ रहे थे उस समय ये घटना हुई। तो क्या सर, बिना परमिशन की अगर मूर्ति रखी गई थी तो क्या थाना प्रशासन के खिलाफ किस तरह कार्रवाई होगी? अब इसकी जांच की जाएगी कि परमिशन थी या नहीं थी। वैसे पूरे जनपद में ही जो है इसकी मीटिंग जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा करके और इसमें कम से कम लोगों को शामिल करने की एडवाइजरी जारी की गई थी, जैसा कि शासन का निर्देश था। और मूर्ति भी जो है एक जो साइज है वो बहुत कम रखने के लिए ये बात कही गई थी। यद्यपि ये घटना मूर्ति विसर्जन के दौरान नहीं हुई है, ये विसर्जन के पश्चात ये सब वापस आ रहे थे, तब वहाँ पर जो झालर लगी हुई थी वो ट्रॉली में फंस गई, जिससे इन दोनों पक्षों में मारपीट हुई। ये सर ट्रॉली किसकी है? ये पकड़ी के पूर्व प्रधान है रामोद शर्मा, उनका ये ट्रैक्टर ट्रॉली थी जी। तो इनके विरुद्ध किस तरह कार्रवाई की जाएगी सर? जो भी कार्रवाई है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, इसमें चालक है वो भी नामजद है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए द नेटिजन न्यूज के साथ। नमस्कार।